Today we will discuss what is Photoshop. So, what do you mean by Photoshop? Adobe Photoshop. So, Adobe Photoshop is a software that is extensively used for raster image editing, graphic design and digital art. क्या है Photoshop? Photoshop क्या है? It's a software, right? So, it makes use of layering to allow for depth and flexibility in the design and editing process, as well as provide powerful editing tools that when combined are capable of just about anything. Actually, Photoshop kya hai? Photoshop jo hota hai, wo kya hota hai? It's a designing tool, right? It's a designing software. Iske andar hum kya karte hai? Designing karte hai. हम अपनी पिक्चर्स को एडिट करते हैं इसके अंदर, राइट? सो Adobe Photoshop क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर जो कि हमारी रास्टर इमेजेस जो होती हैं उनको एडिटिंग करने के लिए काम आता है, डिजिटल आर्ट में काम आता है, राइट? देन कम्स व्हाट बेसिकली रास्टर इमेजेस क्या होते हैं? व्हाट इज रास्टर इमेज? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इमेजेस दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन स्कैनिंग और फोटोग्राफिंग एन ऑब्जेक्ट. कभी भी कोई भी जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ लेते हैं या फिर उसको जब हम स्कैन करते हैं तो उस टाइम पे जो इमेज होती है, जो प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज द रास्टर इमेज. सो रास्टर इमेजेस आर कंपाइल्ड यूजिंग पिक्सल्स और टाइनी डॉट्स कंटेनिंग यूनिक कलर एंड टोनल इंफॉर्मेशन दैट कम टुगेदर टू क्रिएट द इमेज. अब क्या है, जो रास्टर इमेज होती है वो किससे बनी होती है? इट्स कंपाइल्ड विद यूजिंग द पिक्सल्स या फिर छोटे छोटे टाइनी डॉट्स के साथ जो इमेज प्रिपेयर होती है, जो इमेज बनती है, दैट इज नोन एज द रास्टर इमेज. उसमें क्या है, अलग यूनिक डिफरेंट कलर्स भी प्रेजेंट होते हैं, टोनल इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन होती है कि किस तरीके से इकट्ठे करके अलग अलग कलर्स, अलग अलग टोन्स को हमारी इमेज जो है वो प्रेजेंट होती है. सो पिक्सल्स और छोटे छोटे डॉट्स के साथ और अलग अलग कलर्स के टोन्स के साथ हमारी जो इमेज प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ द रास्टर इमेज. एंड सिंस रास्टर इमेजेस आर पिक्सल बेस्ड, दे आर रेजोल्यूशन डिपेंडेंट. क्या होती है? रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है? क्यों होती है? क्योंकि वो पिक्सल बेस्ड है, राइट? सो रास्टर इमेजेस क्या हो गई? वो इमेजेस जब हम फोटोग्राफ लेते हैं या स्कैन करते हैं कोई फोटोग्राफ को, उसको हम बोलते हैं रास्टर इमेज. देन कम्स लेयर्स. अब फोटोशॉप के अंदर लेयर्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के अंदर जिसके ऊपर हम काम करते हैं. सो फोटोशॉप की लेयर्स क्या होती हैं? एक्चुअली दे आर लाइक द शीट्स ऑफ स्टार्क एसीटेट. शीट्स होती हैं, लाइट पतली पतली शीट्स होती हैं जिनके ऊपर हम अलग अलग इमेजेस के साथ वर्क करते हैं और वो हमें एज अ कंबाइंड पिक्चर जो है वो शो होती हैं. सो यू कैन सी थ्रू द ट्रांसपेरेंट एरियाज ऑफ द टेक लेयर टू द लेयर्स बिलो. ट्रांसपेरेंट एरियाज ऑन द लेयर लेट यू सी लेयर्स बिलो. हमारी जो ट्रांसपेरेंसी होती है लेयर्स की, वो हमें अलाउ करती है हम एक लेयर के ऊपर जो वर्क हुआ है वो हम दूसरे लेयर के ऊपर जो वर्क हुआ है वो इकट्ठे हमें दिखते हैं. जो भी काम हम अपने लेयर्स के ऊपर करते हैं वो सारा का सारा जो है हमें नज़र आता है. सो यू यूज द लेयर्स टू परफॉर्म टास्क सच एज कंपोजिटिंग मल्टीपल इमेजेस, एडिटिंग टेक्स्ट टू एन इमेज और एडिंग दी वेक्टर ग्राफिक शेप्स. अलग अलग शेप्स आप उसमें यूज़ कर सकते हो, अलग अलग इमेजेस जो है, बहुत सारी इमेजेस को एक पिक्चर के अंदर आप इकट्ठा करके दिखा सकते हो, टेक्स्ट उसके अंदर आप डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. ये सारा किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लेयर्स. क्योंकि हर एक लेयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और अलग अलग लेयर के ऊपर अलग अलग वर्क होता है, इसीलिए हमें हमारे कैनवस के ऊपर, हमें हमारी शीट के ऊपर वो काम इकट्ठा शो होता है. लाइक दिस, हमारा जो स्क्रीन होती है, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसके जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के ऊपर क्या बना होता है, एक इस तरीके से
हमारे पास बॉक्स बना होता है लेयर्स का। यहाँ पे जब हम वर्क करते हैं तो अलग अलग लेयर्स जो है हमारी आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने येलो लेयर के ऊपर काम करा हुआ है, रेड है, ग्रीन है, इस तरीके से कलर्स दिए हुए हैं, वो सारी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और हमें जहाँ पे अपनी लेयर्स नज़र आ रही होंगी, एक इमेज बन रही होगी जहाँ पे हमारे पास रेड कलर भी आएगा, येलो वाला राउंड सर्कल भी रेड कलर का सर्कल भी आ रहा है और येलो कलर का जिगजैग भी दिखाई दे रहा है एक ही इमेज के